आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड 72 टेबलेट को कब लेना रहता है, एक महीने में आप कितनी टेबलेट इसको ले सकते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और इसको कब लेना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखें। अनवांटेड 72 टैबलेट एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक पिल्स है, जो कि आपको अभी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना है, या आप नहीं चाहते कि मैं प्रेग्नेंट हो, और अगर ऐसी कंडीशन में आप लोगों का सेक्स हो जाता है और कहीं आपका प्रोटेक्शन फेल हो गया, यानी कि कंडोम रप्चर हो गया है, या आप पुल आउट मेथड अपना रहे थे पर वो फेल हो गई है, या फिर विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं अनवांटेड 72 टैबलेट लेकर के अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकती है। तो इसको लेने का भी एक सही समय होता है, ऐसा नहीं है कि महीने में कभी भी रिलेशन बन गया और हम कभी भी दवाई खा लें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, उस हिसाब से आपको ओवुलेशन निकालना है। ओवुलेशन निकालेंगे तो एक जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है, जैसे 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की, तो इन जो पीरियड साइकिल में ओवुलेशन होता है वो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन के बीच में होता है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अभी आपका पीरियड 1 अगस्त को आया था, अगला जो पीरियड आपका 28 अगस्त को आ सकता है, 30 अगस्त को आ सकता है, तो ऐसे में आपका जो ओवुलेशन रहेगा पीरियड के 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन हो सकता है। तो अगर आपका जो संबंध है पीरियड के 10वें दिन, यानी कि 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त के बीच में अगर आपका रिलेशन होता है, तो आपको अनवांटेड 72 या आई पिल की ओनली 1 टैबलेट लेने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम 2 खा ले, 3 खा ले, ठीक है। तो पीरियड के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक अगर आपका रिलेशन होता है तो आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिलेशन पीरियड के 10 दिन से पहले होता है या 10 दिन के यानी कि 20वें दिन के बाद होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अनवांटेड 72 या आई पिल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन दिनों में महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, ओके। अब हम देखते हैं कि पूरे महीने में आपका 2 बार रिलेशन हो गया, 4 बार रिलेशन हो गया, तो आपको अनवांटेड 72 टैबलेट कितनी बार लेना है? तो ये सिर्फ एक ही बार लेना है, एक ही टैबलेट लेना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कि महीने में 4 बार रिलेशन हो गया तो उनने 4 बार ही इसको उठा करके खा ली। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि महीने में सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जब महिला का एग रिलीज होता है, और अगर उस दौरान स्पर्म मिल जाए तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि महीने में अगर आप 4 बार मिल रहे तो 4 ही बार प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ लोगों का सवाल आता है कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि इसका सक्सेसफुल रेट कितना है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, पर हाँ 65% सक्सेसफुल रेट है, क्योंकि मैंने कई सारे पेशेंट को देखा है कि भाई अभी रिलेशन हुआ, 5 मिनट बाद भी इनने खा ली, फिर भी अगले महीने पीरियड नहीं आया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका सक्सेसफुल रेट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँगी तो 65% है, 95% मैं नहीं कह सकती, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अनवांटेड 72 टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे सिर दर्द हो सकता है लेने के बाद में, थोड़ा उल्टी जैसा मन हो सकता है, कई बार ये अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, यूरिन बार बार आने लग जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में पेन हो सकता है, यानी कि जब महिला पेशाब करने जाती है तो बहुत जलन होती है, दर्द होता है, मतलब काफ़ी तकलीफ होने लग जाती है। इसके बाद में खाना खाने का मन नहीं होता है और स्पॉटिंग टाइप हो जाती है, या इसको लेने के 2-4 दिन बाद पीरियड्स आते हैं तो वो हेवी ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके बाद में अगला जो पीरियड है वो आपका डिले हो सकता है, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने तक भी कई महिलाओं के पीरियड नहीं आते, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आते हैं। इसके बाद में फेस पे पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, कमजोरी फील हो सकती है,
और आपकी जो आगे की पीरियड साइकिल है वो इनरेगुलर हो सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अनवांटेड 72 टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। तो वीडियो को अच्छे से देखें। धन्यवाद।